वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा। पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और इस प्रवेश पत्र के जारी होने के कारण अब जो टलने के आसार थे परीक्षा के, उन पर भी विराम लग चुका है और ये तय हो गया है कि आयोग अड़ चुका है पीसीएस की मुख्य परीक्षा कराने में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा टलने को लेकर हो रही तमाम अटकों पर विराम लग गया है। परीक्षा 18 जून से 6 जुलाई तक इलाहाबाद और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में 14,032 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, साथ ही अब प्रवेश पत्र डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। कई अभ्यर्थी पीसीएस मुख्य परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे, इसके लिए मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया। बहुत से ट्वीट्स भी किए गए मुख्यमंत्री को, लेकिन उन ट्वीट्स का आयोग पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आयोग ने बृहस्पतिवार को मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। परीक्षा अब तय समय पर ही होगी। हालांकि आयोग के सचिव जगदीश पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं टलेगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2 पालियों सुबह 9:30 से, अपराह्न 12:30 बजे और अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। केवल सामान्य अध्ययन की जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि है सुबह 9:30 से 11:30 बजे और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। सचिव का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र जमा करने की 4 कारणों की प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूरी कर ली है, उन्हें इस शर्त के साथ मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से शामिल होने की अनुमति दी गई है कि अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित अर्हता पूरी कर रहे हैं। अगर किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी ने निर्धारित तिथि तक अर्हता एवं प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। सचिव ने यह भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो मुद्रित ना हो, वे आईडी प्रूफ की मूल प्रति एवं 2 छाया प्रति और पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेकर संबंधित केंद्र में उपस्थित हों, अन्यथा उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपके जो प्रवेश पत्र उस पर फोटो नहीं है तो आपको अपना आईडी प्रूफ की जो मूल प्रति है, फोटोकॉपी नहीं, जो मूल प्रति है, और उसकी जो 2 फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेकर संबंधित केंद्र में उपस्थित होना है। तो आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और साथ ही अपने परीक्षा की पूरी तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।